श्रावण महीने के चौथे और अंतिम सोमवार पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन करने पहुंची। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गंगा जल से महाकाल का विशेष अभिषेक और पूजन किया। सावन माह के अंतिम सोमवार पर आज राजनीतिक लोगों का बाबा महाकाल के दरबार में जमावड़ा लगा हुआ है। इसी के चलते उमा भारती भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां भारती ने बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक करने के बाद मीडिया से चर्चा की और गंगा सफाई अभियान को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब वे सिर्फ और सिर्फ गंगा सफाई में ही जुटी हुई है। उमा ने ये भी कहा कि हमने 2018 तक गंगा नदी की सफाई का दावा किया था, लेकिन अब इस अभियान में 6 महीने का वक्त और लगेगा। उन्होंने गंगा सफाई के मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की और कहा कि गंगा सफाई की दिशा में बेहतर काम हो रहा है, साथ ही गंगा को प्रदूषित करने वाली कई बड़ी फैक्ट्रियों को नोटिस भी दिया गया है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत शांतिपूर्ण हैं और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जा रहे हैं। मैं तो वहाँ भगवान महाकाल से एक ही बात मांगती हूँ, मेरी तो सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, सारी इच्छाएं एक इच्छा में इकट्ठी हो गई हैं कि मुझे अपने जीवन काल में गंगा को अविरल और निर्मल देखना है। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं।